हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मिशन 2021 का ये जो सेशन है। आप सभी लोग जो भी बीएचयू और अदर्स किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये एक न्यू वर्जन होगा। न्यू वर्जन इसलिए होगा क्योंकि अभी तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पीजी कोर्सेज की लॉन्चिंग नहीं थी और अभी हम लोग पीजी कोर्सेज भी बीएचयू पाठशाला के थ्रू घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम लॉस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम लोग को हमेशा मिलता रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जल्दी से पहले अपने यूजी कोर्सेज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और मेरा जो यूजी कोर्स है वो है बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, बीए एलएलबी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ एंड बायो। बाकी भी कुछ कोर्सेज हैं जैसे बीएफए वगैरह, तो वो हम लोग कॉल पे हैंडल कर लेंगे। आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिएगा कि बीएचयू पाठशाला के कौन कौन से कोर्सेज रनिंग में है और कौन कौन से अभी अपकमिंग में है, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे कुछ पार्टिकुलर और फेमस कोर्सेज जो बीएचयू पाठशाला पे आपको देखने को मिलेंगे। इसकी फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप वहां पे कॉल करके काउंसलर एज ए काउंसलर बात वहां पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा, पूरी चीज सजेस्ट किया जाएगा, समझाया जाएगा। सो प्लीज कोई भी इंटरेस्टेड आपके आसपास कहीं भी हो, आप बीएचयू पाठशाला के सिलेक्शन को देखते हुए, प्लेलिस्ट के वीडियोस देखते हुए आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आगे की जो कार्यवाही है, जो पीजी कोर्सेज है, वो आपको मोहन सर यहाँ पे पूरा डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। तो प्लीज मोहन सर आगे चीजें आप यहाँ पे समझाइए। जैसा कि हम बात करेंगे पीजी कोर्सेज की, तो आप देख सकते हैं पीजी कोर्सेज मैंने लिख दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये पाठशाला का अपडेटेड वर्जन होने जा रहा है जो मिशन 2021 है। वो क्यों होने जा रहा है मैं आपको बताऊंगा। हम एमए कोर्सेज लॉन्च किए हैं और इसलिए किए हैं क्योंकि मैं यहाँ 2015 से हूँ बीएचयू में, तो मैंने लोगों को सजेस्ट किया है कि आप जहां भी एडमिशन अगर बीएचयू नहीं हो पाता है तो आप कहीं भी जहां आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप डिग्री कॉलेज हो आपके गाँव का या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़िए, पीजी यहां से करिए। तो वो वादा पूरा करने जा रहा हूं मैं। और इसमें आप एमए कोर्सेज में मैंने लिखा है यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इसमें ये आर्ट्स फैकल्टी कहा जाता है, बाकी सब सोशल साइंसेज के हैं। यहाँ बीएचयू में आपको बता दूं, अभी इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनकी फीस जो होती है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज कहा जाता है इनको, जिसमें सोशल वर्क आता है, मास कम्युनिकेशन आता है, एमलिब आता है, लाइब्रेरी साइंस, IRDM आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। फिर जो थर्ड है वो आता है, एक्चुअली ये पीजी यूजी में नहीं है तो बीएड है। बीएड हम दो सेगमेंट में ही चला पाएंगे, जिसमें एक लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा कि जिसका ऑनर्स हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है वो इसलिए अप्लाई कर पाएंगे। और जिनका इसके अलावा है, चाहे वो AISC हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, वो ह्यूमैनिटीज से कर पाएंगे। और इसके साथ आपको नीरज सर और यहाँ पे एक कोर्स हम लोग और इंक्लूड करेंगे जो है LLB, वो भी बीएड के बाद वो पीजी और यूजी दोनों में कंबाइन होकर चलेगा और काफी अच्छा रिजल्ट भी रहा है LLB का इस बार हमारे यहाँ। तो इन सभी चीजों के साथ साथ हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपली डिस्क्रिप्शन और आपको स्क्रीन पे भी अभी चलते हुए नजर आ जाएगा, वो दो डिफरेंट नंबर है, यूजी अलग है, पीजी अलग है, आपको डायरेक्टली कॉल करना है। एक्चुअली कॉलिंग व्यवस्था हम लोग इसलिए रखे हैं, जानते हैं कि उसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, जनरली बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन इसका रीजन ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज ऑनलाइन, ऐसा मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली लिंक पे किया और पेमेंट हो गया और आपको हो सकता है कोई समझ में ना आए। तो बेसिकली आप अगर बात करो चीजें समझ में आए, क्योंकि भाई आप पेमेंट कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप डेमो भी, आप जैसे पेमेंट करोगे आपको डेमो दिया जाएगा, स्टडी प्लान बताया जाएगा। और इस वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप और कॉल दोनों कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक न्यू चीज हम लोग और यहाँ पे आपको अपडेट कर देंगे, बीएचयू पाठशाला का इस सेशन में ऐप भी लॉन्च हो चुका है। ऐप लॉन्च हो चुका है और हमारी फैकल्टीज बढ़ चुकी है। आपको मैं बता दूं कि जो पीजी कोर्सेज है इनका कंटेंट जो रेडी करेंगे वो पीएचडी स्कॉलर है। और ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो आप कह सकते हो कि आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगी, पीएचडी स्कॉलर्स इसका हम उनके अंडर गाइडेंस में इस कोर्स को चला रहे हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीएचयू की तैयारी जो होती है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये तैयारी हमेशा बीएचयू का स्टूडेंट ही करा सकता है, क्योंकि इनकी या तो बीएचयू का स्टूडेंट हो या फिर बीएचयू का स्टूडेंट जो बीएचयू के प्रोफेसर के अंडर में रहे, मतलब उनके गाइडेंस में रहे, क्योंकि ये पेपर्स वगैरह एनालिसिस आप देखते हो हर बार, जो पेपर के वेरिएशन देख लोगे
मिलते हैं, कभी एक पोर्शन ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये पोर्शन इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, इसलिए मस्ट हो जाता है कि बीएचयू की तैयारी तो करना ही मस्ट है और खासकर बीएचयू के द्वारा संचालित कोचिंगों से करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएचयू पाठशाला वन ऑफ द सिंगल कोचिंग है जो ऑफलाइन ऑनलाइन यूजी पीजी सभी कोर्स के साथ यहाँ पे इस बार आपके सामने आया है। सो प्लीज मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने आसपास के सभी दोस्त यार मित्र को आप जोड़िए और लोगों को सजेस्ट कीजिए। और एक सुनहरा मौका है कि अगर आप यहाँ से यूजी नहीं कर पाए तो पीजी पक्का कर पाएंगे क्योंकि आप बीएचयू पाठशाला से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे अपना लव और सपोर्ट हम लोग को देते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर और बाय बाय, कीप स्माइल।